मशहूर गायिका लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज, ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर्स ने दी जानकारी। लता मंगेशकर से मिलने पहुंचे राज ठाकरे, ब्रीच कैंडी अस्पताल में 27 दिनों से लता मंगेशकर का चल रहा इलाज। बच्चों को कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं, इसलिए स्कूलों को बंद करना ठीक नहीं, WHO ने दी जानकारी। मुंबई, पुणे और ठाणे में आज जियो सेवा ठप, दोपहर 12 बजे से ही जियो सेवा है ठप। नासिक में शराब के नशे में धुत ड्राइवर ने किराना स्टोर में घुसाई कार, बाल बाल बची दो लोगों की जान, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। डिहाइड्रेशन की वजह से हिंदुस्तानी भाव को अस्पताल ले गई पुलिस, इलाज के बाद बांद्रा कोर्ट में पुलिस ने किया हाजिर। मुझ पर लगाए हुए सभी आरोपों की रीत सुमैया साबित करके दिखाए, संजय राउत की सुमैया को चुनौती। ओवैसी पर हुए हमले में ओवैसी को जान से मारने की ही थी तैयारी, सूत्रों के आधार से मिली जानकारी। शिरडी साई बाबा संस्थान के कर्मचारी है परेशान, शिरडी में लोगों ने 3 करोड़ की कीमत के पुराने 500 और 1000 के नोट चढ़ाए। महाराष्ट्र के पालघर में महिला की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।